मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज़ लोकेश नागर एंड वेलकम टू स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं 11 अक्टूबर के करंट अफेयर के साथ। पहला क्वेश्चन, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? ये 10 अक्टूबर को मनाया गया। और ये पहली बार कब मनाया गया था? 1992 में पहली बार मनाया गया था, ठीक है। और अक्टूबर महीने की बात हो रही तो अक्टूबर महीने की कुछ और डेट इम्पोर्टेंट है, जैसे 2 अक्टूबर है वो विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 अक्टूबर है वो विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, 9 अक्टूबर है वो विश्व डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है, 8 अक्टूबर है वो भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाटो देशों ने वायुसेना अभ्यास क्लीन स्काई 2018 किस देश के साथ शुरू किया? किस देश के साथ शुरू किया? यूक्रेन के साथ शुरू किया ये, ठीक है। और यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, नाटो देश और यूक्रेन। पहले यूक्रेन की बात करते हैं। यूक्रेन की राजधानी है कीव, मुद्रा है यूक्रेनी रेमिया और राष्ट्रपति का नाम है पेड्रो पोर्शेको, ठीक है। नाटो देश की बात करते हैं। नाटो की फुल फॉर्म क्या है पहले देखते हैं, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब गई थी? 1949 को स्थापना करी गई थी और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। और बात करें नाटो देश इसके कितने सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं, 29 देश इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में युवा ओलंपिक खेलों में शूटर मनु भाकर, नाम आते इंपॉर्टेंट हो जाते, काफी फेमस हो रहे हैं अभी, मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता इन्होंने? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, ठीक है। जैसे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, यह पहली युवा भारतीय महिला बन गई है जिन्होंने युवा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, और ये मात्र 16 साल की है और ये हरियाणा से बिलोंग करती है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि युवा ओलंपिक खेल जो कि अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आयोजित हो रहे हैं, वहाँ पर युवा ओलंपिक खेलों के में भारत की ओर से ध्वजवाहक कौन थी? वो भी मनु भाकर ही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, निकी हेली ने किस देश के राजपूत से इस्तीफा दे दिया है? किससे दिया है? अमेरिका से दे दिया है, ठीक है। और अमेरिका राज्य की बात करें तो वहां के राष्ट्रपति का नाम सबको पता है, क्या नाम है उनका? डोनाल्ड ट्रंप। और वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के? वो 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली नामित कर दिया गया है? किस देश को कर दिया? यहाँ पे सिंगापुर यूएसए नहीं है, वह है जापान देश। जापान देश को सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट देने वाला देश नामित कर दिया है, ठीक है। बात करें दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे सिंगापुर आ जाता है जो कि सब जानते हैं, तीसरे नंबर पे जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया है। अपन को ये भी पता होना चाहिए कि भारत कौन से नंबर पे है, भारत है 81वें नंबर पे, 81 नंबर पे भारत आता है पासपोर्ट की पावर के रूप में, ठीक है। जापान देश की बात करें तो जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है एन और पीएम है सिंजो आबे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने मोबाइल हेल्थ ऐप मेड वॉच शुरू किया है? किसने शुरू किया है? ये भारतीय वायुसेना ने इसको शुरू किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नितिन गडकरी ने किस राज्य में 1224 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी? किस राज्य में रखी है ये? उत्तर प्रदेश राज्य में 1224 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी है।
और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ की राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी पर स्थित है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अभी रेलवे के लिए, कौन जो भी इम्पोर्टेंट शहर है, राजधानी है, वो कौन सी नदी के किनारे हैं पूछे जा रहे हैं। वहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, सभी जानते हैं, और ये वहाँ के गवर्नर है राम नायक। ठीक है, यूपी के हमें राज्य पशु पता होना चाहिए जो कि है बारहसिंगा, राज्य पक्षी पता होना चाहिए वो है सारस, राज्य पुष्प पता होना चाहिए वो है पलास, और राज्य वृक्ष है अशोक, जो कि पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा उत्पादों पर पहुंच के लिए दूसरा विश्व सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ और किसने आयोजित किया? यह आयोजित किया है जेपी नड्डा ने किया है, और ये अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नासोकॉम ने भारतीय बाल अधिकारों को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, NAACO या नासकॉम और यूनिसेफ। नासकॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में, और इसके अध्यक्ष है रिशद प्रेम जी। ठीक है, दूसरा वर्ड है यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म में पता होना चाहिए, यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चक्रवात तितली उड़ीसा एवं किस राज्य के तट पर पहुंच चुका है? वह है आंध्र प्रदेश राज्य के तट पर पहुंच चुका है। तितली बहुत खतरनाक चक्रवात है जो कि उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में पहुंच चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानवता के लिए भारत पहल की शुरुआत किसने करी? वो शुरुआत करी है विदेश मंत्रालय ने करी है, और ये किसके लिए है, किस बारे में है? ये है आर्टिफिशियल जो पार्ट होते हैं बॉडी के, उसको प्रोवाइड कराने के बारे में है विकलांगों को। ठीक है, और विदेश मंत्रालय ने इसका किसके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं? वो एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट का नाम है भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति। इस ट्रस्ट के साथ विदेश मंत्रालय ने टाइप किया है, और मानवता के लिए पहल इसकी शुरुआत करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्रालय की बात हुई तो हमें विदेश मंत्री हमें पता होना चाहिए जो कि सुषमा स्वराज है, और सुषमा स्वराज ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव है, तो ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली महिला नेता भी सुषमा स्वराज ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पर कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ये दिल्ली में किया गया, और इसका आयोजक कौन है, किसने आयोजित किया है कार्यशाला को? वह नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी करंट के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा रहा है, वहाँ के CEO कौन है, अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, स्थापना कब हुई थी, सब पूछे जा रहे हैं, फुल फॉर्म क्या है, तो सारा कुछ देखते हैं। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात करें तो वो है राजीव कुमार, और CEO है अमिताभ कांत। CEO बहुत बार पूछा जा चुका है, पता होना चाहिए नीति आयोग के CEO कौन है, अमिताभ कांत CEO है। BPCL ने कौन से राज्य में देश का पहला जैव ईंधन संयंत्र स्थापित करेगा? कौन से राज्य में करेगा? उड़ीसा में करेगा, और यहाँ पे BPCL वर्ड आए, इसकी फुल फॉर्म क्या है? भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस देश के साथ साझेदार होगा? हमेशा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ज़्यादातर गोवा में होता है, इस बार इसका साझेदार होगा गोवा का, वो है झारखंड राज्य। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 12 तारीख करंट अफेयर सुबह 9 से 12 के बीच में, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जिनको बाकी जो वीडियो मैंने अपलोड करे हैं करंट अफेयर्स के, इंग्लिश के, सबके, अगर आपको
कुछ प्रॉब्लम आ, जैसे साफ नहीं दिख रहा है वीडियो में, तो आप उसकी जो क्वालिटी है YouTube से पिक्सल्स बढ़ाओगे, जैसे 240 से 360 या 220 तक करोगे, तो उसकी क्वालिटी अपने आप अच्छी हो जाएगी, आप वैसे करके देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर कॉन्टैक्ट्स।